चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हम लोग वॉयस के बारे में। वॉच, वॉयस, हिंदी में इसको वॉच कहा जाता है। हम ये जानते हैं कि वॉयस क्या होता है। देखिए, वॉयस यानी ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कर्म को लेकर के सीधा वाक किया जाता है, कर्म को लेकर ही वाक्य बनाए जाते हैं। ऐसे वाक्यों को हम वाच कहेंगे, वॉयस कहेंगे, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग कि वॉयस जो होता है इसमें कर्ता और कर्म को ज्यादातर हमें पहचानना आना चाहिए। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, जो मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों को पढ़ाया था। कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। कर्ता के संबंध में पर्सन, एक वीडियो मैंने बनाया है, पहला ही वीडियो है, पर्सन के संबंध में है। जैसे देखिए, आई, ही, सी, कोई नाम हो गया, वी, यू और दे, ये सभी हैं। कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, मतलब ये कि वह जो काम किया जा रहा है उस काम का नाम क्या है। जैसे कि आई रीड इंग्लिश लिखा हुआ है, आई रीड इंग्लिश। देखिए, यहां आई सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है और ये जो इंग्लिश लिखा है ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे समझते हैं, देखिए कौन पढ़ रहा है, कर्ता, मैं, ये है, मतलब जो काम करता है वही कर्ता कहलाता है। तो यहां पढ़ने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है, तो ये इस वजह से क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो ये वर्ब हो गया। किसे पढ़ने का काम हो रहा है, तो वो इंग्लिश को, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया। और हमें वॉयस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरी बात ये कि वॉयस जो होता है हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनेगा। ट्रांजिटिव वर्ब से ही वॉयस बनाया जा सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉयस नहीं बनाया जा सकता। कहने का मतलब सकर्मक क्रिया का ही वॉयस बनेगा, अकर्मक क्रिया का बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। जैसे देखिए, इसको मैं कुछ और इस तरह समझाता हूं कि वे वाक्य जिनमें क्या या कौन, क्या या कौन से प्रश्न उठाने पर आपको जवाब मिले, तभी समझिएगा कि वहां वॉयस बनाया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। जैसे आई रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। चलिए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ मैं एक बार इसको, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। हमने क्या देखा है, क्या और कौन से प्रश्न उठाने पर ही जवाब जवाब मिले, तभी क्या बनेगा, वहां आंसर, तभी उसका वॉयस बनेगा। तो क्या यानी कि वॉट, कौन यानी कि हु या हुम। चलिए देखते हैं, तो व्हाट, अगर हम इस क्वेश्चन में व्हाट लगाते हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं मैं, तो पुस्तक हट जाएगा और यहां आ जाएगा क्या, मैं क्या पढ़ता हूं, तो उन्हें पता चल रहा है उसमें ऑब्जेक्ट है, मैं बुक पढ़ता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं, तो मैं बुक पढ़ता हूं। तो इसमें रीड जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब ये कि अगर आप आई रीड लिखते हो तो ये वाक्य पूरा नहीं है जब तक कि इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। तो ऐसे ही वर्ब का वॉयस बनेगा और इस तरह से दूसरे वर्ब का वॉयस नहीं बनाया जा सकता। अगर आप ये सोचते हैं आई गो होम तो इसका वॉयस बना दे करके, तो नहीं बन सकता, ये गलत है। होम इज गॉन नहीं लिखेगा, होम इज गॉन बाय मी, ये सब गलत है, एकदम गलत है। दूसरी बात ये, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहां टू लगना चाहिए तो गलत है, आई गो टू होम नहीं होता, ये सेंटेंस गलत है, आई गो होम होता है। हाँ, यदि होम के पहले पजेसिव वर्ड्स का प्रयोग किया गया हो तो बेशक वहां पे टू का प्रयोग किया जा सकेगा। पजेसिव वर्ड्स यानी कि माई, योर, हीज, हर, देयर और, इनमें से कोई भी शब्द का प्रयोग अगर यहाँ किया गया है तो टू लगा जा सकता है। जैसे कि आई गो टू हीज होम, ये सही है क्योंकि यहाँ पजेसिव वर्ड का प्रयोग किया गया है। अगर ये नहीं होता तो टू लगा होता तो ये वाक्य गलत होता, इसका वॉयस नहीं बनाया जा सकता। ध्यान रखेंगे, दो बातें मैंने बताई हैं,
पहला कर्म के संबंध में, दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब के संबंध में, वर्ब कौन सा होना चाहिए, सकर्मक होना चाहिए, जिसमें क्या और कौन से प्रश्न उठाने पर आंसर मिले, उन्हीं शब्दों का, उन्हीं वाक्यों का वाच बनाया जा सकेगा, अन्य प्रश्नों का नहीं बनाया जा सकेगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। यदि आपको अंग्रेजी के संबंध में कोई भी डाउट हो, वॉइस के संबंध में, किसी भी चैप्टर के संबंध में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए जानते हैं वॉइस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वॉइस मतलब क्या? एक्टिव वॉइस मतलब वो सभी वाक्य जो हम टेंस में पढ़ते हैं, टेंस में, या एक्टिव वॉइस मतलब जिसमें वाक्य सीधे तौर पर सब्जेक्ट को लेकर के बोला जाता हो, कर्ता को लेकर के बोला जाता हो, वह कहलाता है एक्टिव वॉइस। जैसे कि हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, यहाँ एक कर्ता को लेकर के सीधा एक सेंटेंस फॉर्म किया गया है, एक सेंटेंस बनाया गया है, इसी वजह से यहाँ एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस में क्या होता है कि कर्म को लेकर के वाक्य बनाया जाता है, कर्म को लेकर के। यहां हम देखते हैं कर्म क्या है, ये है अंग्रेजी है कर्म, तो अंग्रेजी को लेकर के हम वाक्य बनाते हैं। अंग्रेजी को लेकर के वाक्य कैसे बनाएंगे? जैसे देखिए अंग्रेजी पढ़ी जाती है, अंग्रेजी पढ़ी जाती है, तो ये हमने कर्म को लेकर बनाया, यहाँ पे हमने कर्ता को लेकर के बनाया था। तो जब कर्ता को लेकर के या सीधा सब्जेक्ट को लेकर के वो सेंटेंस फॉर्म किया जाता है तो एक्टिव वॉइस कहलाता है, उसी में जब ऑब्जेक्ट को लेकर के वो सेंटेंस फॉर्म किया जाता है तो वहां पैसिव वॉइस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में कैसे क्वेश्चन बनता है। मैं आपको एक सेंटेंस का, एक टेंस का पूरा क्लियर डिटेल बता रहा हूं, जिससे आपको वॉइस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस हिंदी में इसको हम साधारण वर्तमान काल कहते हैं, साधारण वर्तमान काल। तो साधारण वर्तमान काल में क्या होता है, हम एक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। एक्टिव साधारण वर्तमान काल आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा टेंस, इसमें क्या होता है, एक आईडी मिलता है, एक पहचान होता है कि इस काल के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, इस तरह के वाक्य आते हैं। और इसका एक स्ट्रक्चर भी होता है कि आप पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, ये इसका साधारण सा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं तो ये क्या हो जाएगा, आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, ताहूं आया लास्ट में, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। अब इसमें हम कुछ रूल्स भी पढ़ते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में रूल्स क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए रूल होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो वाक्य होते हैं, जो वर्ब होते हैं, इसमें रूल ये होता है कि जब भी सेंटेंस में, वाक्य में आप ही का, सी का, इट का या किसी एक नाम का प्रयोग कर रहे हो तो आपको वर्ब में एस या ई एस जोड़ना होगा, या तो आप एस जोड़ेंगे या तो ई एस जोड़ेंगे। कब एस जोड़ेंगे, कब ई एस जोड़ेंगे, आगे रूल फॉलो होगा। जैसे देखिए अगर हम ये कहते हैं कि वो अंग्रेजी पढ़ता है तो ही रीड में एस जोड़ेंगे, ही रीड्स इंग्लिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, यही वर्ब और सब्जेक्ट एग्रीमेंट कहलाता है, तो उसको फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात, जब भी ही सीट नेम का प्रयोग किसी वाक्य में हो और उसमें कोई ऐसे वर्ब का प्रयोग होता हो जिसका एंडिंग लेटर्स क्या हो, सी एच हो, एस एच हो, ओ हो, एक्स हो, एस हो, डबल एस हो, अगर इनमें से कोई भी प्रयोग हो रहा हो तो उसमें आपको ई एस जोड़ना है। जैसे कि वह अंग्रेजी पढ़ाता है तो ही टीच, यहां देखिए लास्ट में सी एच आया है तो इसमें हम क्या करेंगे, ई एस जोड़ेंगे, ही टीचेस इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश, टीचेस नहीं लिखा हुआ है, ये
टीचिज लिखा हुआ, इज लिखा हुआ, इज इज। मैं एक आठ वीडियो आप लोगों को उच्चारण के संबंध में बना के बताऊंगा ताकि आपकी उच्चारण संबंधी समस्याएं भी काफी हद तक सॉल्व की जा सके। तो ये लिखा हुआ है टीचिज, ही टीचिज इंग्लिश। तीसरी बात ये कि जब भी एंडिंग वाई में हो, किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले पहले स्वर हो तो सिर्फ एस जोड़िए ना कि ईएस। जैसे कि देखिए, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। तो यहां पे वाई है लास्ट में, उसके पहले एक स्वर है करके हमने सिर्फ एस जोड़ा है। चौथा रूल ये था कि जब भी एंडिंग लेटर वाई हो और वाई के पहले व्यंजन हो, अंत में वाई आए और वाई के पहले व्यंजन हो तो वाई को आप आई में बदलिए और साथ में ईएस जोड़िए। जैसे ही क्राइज, वह रोता है, तो यहां सी आर वाई होता है और वाई है लास्ट में, उसके पहले एक व्यंजन है तो वाई को हम आई में बदल लेंगे और ईएस जोड़ लेंगे, ही क्राइज। ठीक है, ये सब बातें आप टेंस में पढ़ते हो, मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी, इस वजह से थोड़ा सा बता दिया हूं। अब आगे बात करते हैं हम लोग पैसिव के बारे में। पैसिव, देखिए पैसिव प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, दिस वॉज एक्टिव प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड वी आर गोइंग टू रीड अबाउट पैसिव प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहां भी हमें एक पहचान मिलेगा, पहचान आई मीन आइडेंटिफिकेशन, जाता है, जाती है, जाते हैं, इस तरह से जाता हूं। स्ट्रक्चर देखिए, आपको लगाना है ऑब्जेक्ट को पहले रखना है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को लेकर ही बोलेंगे। ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट बताना होता है, प्लस हेल्पिंग अप लगाते हैं। तो यहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग अप होगा इज, एम, आर, प्लस आपका थर्ड फॉर्म लगाना है, प्लस आपको लगाना है प्रेपोजिशन, प्लस अगर आप चाहें तो सब्जेक्ट लगा सकते हैं जो सेंटेंस में हो। जैसे कि एक सेंटेंस देखते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये एक सेंटेंस है, एक्टिव टेंस है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई प्ले क्रिकेट। अब इसका पैसिव बनाना है, सबसे पहले लगाना पड़ेगा हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो यहां पे क्या है ऑब्जेक्ट, क्रिकेट है, क्रिकेट हेल्पिंग अप लगाइए, इज प्ले का थर्ड फॉर्म लगाइए प्लेड, फिर लगाइए बाय मी। मैंने यहां बाय इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हर बार बाय नहीं लगता, कई कई सेंटेंस में वर्ब के अनुसार अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, आगे मैं उसको बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ये क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। देखिए हर बार इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आप यहां चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं रेस्ट, यानी कि बचे हुए शब्दों को आपको वहां पे यूज करना है। जैसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यह लिखा हुआ है अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो ये क्या होगा, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ये बोलना ज्यादा बेहतर नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है को हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, उसको मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम पैसिव को हम प्रयोग इसी अर्थ में करते हैं कि अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, सुबह 7 बजे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, सुबह 8 बजे यह सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इस तरह से सेंटेंस बोलने के लिए उसको लगाते हैं। और डायरेक्ट अगर बोलना हो तो आप एक्टिव का प्रयोग करें, ज्यादा बेहतर है। अब हम देखते हैं कि आखिर पैसिव सेंटेंस के क्वेश्चंस किस तरह से आपको एग्जाम में पूछते हैं और किस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। तो मैं कुछ आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर बताते जा रहा हूं, कुछ पैटर्न बताते जा रहा हूं। ये है पैसिव वॉइस पैटर्न,
क्वेश्चन नंबर पहला है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। इसका आंसर क्या बनेगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। ये वॉलंटरी है, आप चाहे तो लगाए चाहे तो मत लगाइए। क्रिकेट इज प्लेड लिखेंगे तो भी सही है, बाय मी लगाएंगे तो भी सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट, ये तो क्वेश्चन है निगेटिव है, नरेशन की तरह इसमें आपको बदलना नहीं है। इसमें क्वेश्चन जिस पैटर्न में है उसी पैटर्न में आपको उसका आंसर भी देना है। जैसे यहां निगेटिव है तो इसका आंसर भी आपको निगेटिव बनाना है, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मी। ये तीसरा देखते हैं, अगर एक क्वेश्चन ऐसा होता, डज ही मेक फूड, डज ही मेक फूड क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका आंसर भी आपको इंटरोगेटिव ही बनाना होगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू लगाया हुआ है, आप भी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा लीजिए। जैसे देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, फूड है, फूड में क्या लगेगा, इज फूड मेड, मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क आपको लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, डब्ल्यू एच के बारे में जानते हैं, जैसे ये डब्ल्यू एच है, व्हाट व्हाट डज ही डू, इस तरह के वाक्यों में कैसे बनाना है। व्हाट का प्रयोग कहां होता है, जहां ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी कि ऑब्जेक्ट के जगह आपको व्हाट का प्रयोग करना है। जहां ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है उसको अगर हटाते हैं तो व्हाट लग जाता है, तो अगर व्हाट पहले सेंटेंस में लगा हुआ है तो आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, यही ऑब्जेक्ट है। आप शुरू में व्हाट ही लिखिए, व्हाट, फिर हेल्पिंग लगाइए इज डन बाय हिम, व्हाट इज डन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, व्हाट इज डन बाय हिम। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी पैटर्न है कुछ, जैसे कि पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु से देखते हैं, हु टीचेस इंग्लिश, हु टीचेस इंग्लिश, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचेस इंग्लिश। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हम दो तीन पैटर्न में देखेंगे। इस तरह का जब भी वाक्य आपके सामने में आता है तो उसको आप इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, बाय होम प्लस आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, हेल्पिंग वर्ब कौन सा इसमें का, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, फिर आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी हो वो लगाइए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए और बचा हुआ जो भी शब्द होगा उसको सेंटेंस के लास्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए हु टीचेज इंग्लिश, तो यहां पे हम सबसे पहले जोड़ेंगे बाय होम, बाय होम, बाय होम ने लगा दिया, और इसमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, ऑब्जेक्ट दिख रहा है सीधा इंग्लिश, तो इंग्लिश ले लीजिए, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश के लिए प्रयोग करना होगा हमें इज, तो पहले इज लगा देंगे, बाय होम इज इंग्लिश टॉट, और तो कुछ नहीं बचा, बाय होम इज इंग्लिश टॉट। अब यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो, हु टीचेस देम इंग्लिश, देखिए यहां पे मैंने सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया है, हु टीचेस देम इंग्लिश, तो इसका आंसर कैसे बनेगा, बाय होम, अब यहां ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, आर दे, देम था तो बदल के आ गया क्या, दे, बाय होम आर दे टॉट। अब जो बचा कुछ शब्द है इंग्लिश उसको यहां यूज कर सकते हैं, By whom are they taught English? इस तरह से इसको हम बनाते हैं। और देखते हैं, अगर पहले से क्वेश्चन में whom का प्रयोग किया गया हो तो उस तरह के प्रश्नों का आंसर कैसे देना होगा इसको देखते हैं। अगर क्वेश्चन में पहले से ही whom का प्रयोग किया गया है, जैसे कि whom do you invite to the party, whom do you invite to the party, ये क्वेश्चन में प्रयोग किया गया है,
इसका आंसर कैसे बनेगा? तो ये जो होम है, जैसे कि अभी हमने इसमें देखा था कि भाई क्वेश्चन में देम आया था, बदल के क्या हो गया, वो दे बन गया, इस तरह से ये भी बदल जाएगा। तो इसका आंसर कैसे बनेगा? अगर ये होम है यहाँ, अगर ये होम है तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या बन जाएगा? हु बन जाएगा। अब हम लगा देते हैं यहाँ पे हु, क्योंकि डब्ल्यू एच है इसलिए शुरू में लगाना पड़ेगा। हु इज, क्योंकि ये एक वचन है, हु इज वर्ब लगाइए, इनवाइटेड बाय यू टू द पार्टी। हु इज इनवाइटेड बाय यू टू द पार्टी, ये हम यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन में विच का प्रयोग किया गया हो, विच सब्जेक्ट डू यू टीच, यहां देखिए विच सब्जेक्ट डू यू टीच, तो यहां पे विच लगाया है और विच के साथ एक नाउन आता है। विच का प्रयोग बिना नाउन के नहीं हो सकता, तो विच का प्रयोग नाउन के साथ हुआ है तो वही अपने आप में ऑब्जेक्ट होगा, यदि टीच के बाद और कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया हो तो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया हो तो हम इसी को ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं। तो सीधा सीधा है विच सब्जेक्ट, इसको पहले लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट तो लगा ही हुआ है सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट, अब लगा देंगे इज टॉट बाय यू, विच सब्जेक्ट इज टॉट बाय यू, इस तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी में। अगर ये क्वेश्चन किस इस तरह से हो, इन विच स्कूल डू यू टीच, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया हुआ है इन विच स्कूल डू यू टीच, तो इसका वैस नहीं बनाया सकता क्योंकि टीच के बाद किसी तरह का ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो टीच, इन विच स्कूल डू यू टीच इंग्लिश, अगर ये ऐसा दिया हुआ है तभी इसका वॉयस बनाना संभव है। इन विच स्कूल डू यू टीच इंग्लिश, तो इसका हम कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पे और इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है, यहाँ पे विच सब्जेक्ट दिया, सीधा आपको ऑब्जेक्ट लगा के दिया हुआ था, लेकिन यहाँ नहीं दिया है, साथ में यहाँ पे प्रीपोजिशन भी दिया हुआ है। तो इस पूरे पैटर्न को आपको एक साथ ही लिखना होगा, अलग अलग नहीं करेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? इन विच स्कूल, इन विच स्कूल इज, ये ले लीजिए ऑब्जेक्ट, इंग्लिश टॉट, इन विच स्कूल इंग्लिश, इन विच स्कूल इज इंग्लिश टॉट बाय यू, ये हम बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन में डबल ऑब्जेक्ट है, जैसे सी राइट्स मी अ लेटर, सी राइट्स मी अ लेटर, देखिए यहां पर डबल ऑब्जेक्ट है, एक मी भी है और एक लेटर भी है, ये मी है और ये अ लेटर है, दोनों ऑब्जेक्ट है। तो जब आपको ऐसी आपको ऐसी क्वेश्चन मिलता है, ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं हम लोग, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो लिविंग ऑब्जेक्ट है वही डायरेक्ट होगा, और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट होगा। तो लिविंग ऑब्जेक्ट को लेकर ही आपको सेंटेंस फॉर्म करना होगा, ठीक है? चलिए देखते हैं, तो लिविंग ऑब्जेक्ट कौन सा इसमें? इसमें लिविंग ऑब्जेक्ट है मी, मी को लेकर आपको बनाना होगा, न कि अ लेटर को। अ लेटर को लेकर भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो उतना शुद्ध रूप नहीं होगा जितना मी से बना हुआ होगा। जैसे कि मी को अगर हम इधर लिखेंगे तो ये बन जाएगा आई, आई एम रिटन, फिर अ लेटर बाय हर, I am written a letter by her। इस क्वेश्चन को अगर आप a letter से बनाते हैं, a letter is written to me by her। A letter is written to me by her। तो ये दोनों सेंटेंस सही है, गलत नहीं है,
लेकिन ऊपर वाला ज्यादा शुद्ध है इसके मुकाबले, तो ये ज्यादा बेहतर है, याद रखेंगे। इस तरह से बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, आपका आंसर हमेशा सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ इस तरह के भी सेंटेंस आते हैं, जैसे आई राइट अ लेटर इन इंक। देखिए ये क्वेश्चन है, आई राइट अ लेटर इन इंक, तो इसमें ऑब्जेक्ट इंक नहीं है, अ लेटर है। ये जो प्रेपोजिशन आया है, यदि प्रेपोजिशन के बाद कोई भी दूसरा संज्ञा आता है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो रेस्ट वर्ड्स होते हैं और उनको रेस्ट वर्ड्स के रूप में ही आपको यूज करना है। तो अ लेटर को ले लीजिए, अ लेटर, अ लेटर इज रिटन, अ लेटर इज रिटन इन इंक बाय मी, इस तरह से आपको बनाना है अगर प्रीपोजिशन लगा के दिया हो तो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आई नो हर, आई नो हर, ये बहुत इजी लग रहा है लेकिन ये कुछ इस तरह से बनेगा, सी इज नोन टू मी। यहां बाई में नहीं होगा, मैंने शुरू में ही बताया था सब जगह बाई लगाया नहीं जा सकता, ये वर्ब नो है, नो के साथ बाई नहीं बल्कि टू लगता है, इस वजह से लगाए हैं। और इतने कैसे कैसे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके बाद बाई नहीं लगता, तो वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, अलग से बता दूंगा दूसरे वीडियो में, ताकि क्लियर हो जाए आप। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सी टीचिज मी एंड माय ब्रदर। अगर इस तरह से दो लिविंग ऑब्जेक्ट दिया हो और दोनों एंड से जुड़े हो तो दोनों डायरेक्ट होते हैं, दोनों डायरेक्ट ही होते हैं क्योंकि दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। यहाँ देखिए दोनों एंड से जुड़े नहीं थे इसीलिए हमने इसको अलग अलग बनाया था, यहाँ दोनों एंड से जुड़े हैं तो दोनों को आपको अलग नहीं करना है। ये क्या बनेगा, आई एंड माई ब्रदर, आई एंड माई ब्रदर। अब ये हो जाएगा आर टॉट, आई एंड माई ब्रदर आर टॉट By her, ये इस तरह से इसको बनाना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली, ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा हाउ मच के बगल में ही है, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली, तो उसको वहीं से लेकर बना लीजिए, हाउ मच वाटर इज, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, हाउ मच वाटर इज ड्रंक बाई यू डेली, बाई यू डेली, डेली बाई यू मत लगाइएगा क्योंकि डेली जो एडवर्ब है, एडवर्ब प्लस ऑफ टाइम है, इस वजह से लास्ट में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अगर क्वेश्चन ये ऐसा हो, हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड, हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड डेली, तो ये भी सेम पैटर्न बनेगा, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स आर रीड बाई यू डेली, इस तरह से। अब अगर क्वेश्चन सीधा सीधा डब्ल्यू एस से पूछता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डू You teach English? Where do you teach English? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर सीधा डब्ल्यू एस से पूछता है तो आपको कैसे बनाना है, इंटरोगेटिव तरह सॉल्व करना होता है इसको बहुत इजीली। मान लीजिए कि यहाँ वेयर नहीं है, देखिए वेयर नहीं है तो कैसे बन गया, Do you teach English? आप इतने का ही वॉइस बना दीजिए, कैसे बनेगा, इंग्लिश ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो यहाँ ले लीजिए
यहाँ पड़ेगा सबसे शुरू में आपको लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, तो इज इंग्लिश, इज इंग्लिश टॉट बाय यू, ये इसका इंटरोगेटिव का आंसर बन गया। अब सॉल्व करने के बाद आप यहाँ वेयर लगा दीजिए, वेयर इज इंग्लिश टॉट बाय यू, ये इसका आंसर बन गया। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आप लोगों को 16 तरह के क्वेश्चन बताए हैं जिस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी मैं बताऊंगा इसके बारे में। ये मेरा पहला वीडियो है वॉयस का, इस संबंधित यदि आपको कोई भी परेशानी हो, समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसको सोल्यूशन जरूर दूंगा। आगे भी इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा मैं, ताकि आपको और क्लियर हो, और जो भी समस्या है नरेशन में, नरेशन का वीडियो आपके सामने आएगा। तब तक देखते हैं आगे, आप वॉयस बनाते रहिए, समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।